हेलो फ्रेंड्स, आज है षष्ठी की तिथि, कार्तिक मास की षष्ठी की तिथि। तो आज है डे 3 और शाम का अर्घ्य इम्पॉर्टेंट है आज। तो आज होने वाला है शाम का अर्घ्य, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने सबके घाट धुल चुका है, अब घाट सजाने की तैयारी होगी यहाँ पे, और साफ सफाई हो चुकी है। तो ये देखिए, सुबह सुबह मैंने भगवान को प्रणाम कर लिया है, सूर्य भगवान की पूजा हो गई है और उनसे आज्ञा ले लिया गया है आज की तैयारी शुरू करने के लिए। तो आज है षष्ठी तिथि, छठ का ये है तीसरा दिन और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन। देखिए, ठेकुआ बनने का प्रोसेस चल रहा है आज, बहुत सारे लोग लगेंगे, सारे लोग, घर के जितने लोग हैं सभी लोग नहा धोकर तैयार हो चुके हैं और यहाँ ठेकुआ बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये देखिए, तो ये है उमंगों से भरा ये त्यौहार, जहाँ पे सारे लोग, परिवार के जितने लोग भी रहते हैं, रिलेटिव्स, सभी ट्राई करते हैं कि सारे लोग यहाँ इकट्ठे होएं और एंजॉय करें इस त्यौहार का। तो ये एक फैमिली ओकेजन हो जाता है, फैमिली गैदरिंग हो जाती है, जहाँ के परिवार के सारे लोग मिलते हैं और खूब एंजॉय भी करते हैं। बहुत मज़ा आता है इस पर्व में जब सब लोग इकट्ठे होते हैं और साथ मिलकर कुछ करते हैं, साथ मिलकर प्रसाद तैयार करते हैं और ये पूजा करते हैं। बिल्कुल सुबह से तैयारी शुरू हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रसाद बनना होता है। तो मैं यहाँ, मेरे घर में यहाँ 11 किलो का प्रसाद, 11 किलो का ठेकुआ बनता है, तो बहुत ही सुबह से 4 या 5 बजे से ही तैयारी शुरू हो जाती है प्रसाद बनने की। एक तरफ छनता रहता है, फिर दूसरी जगह आटा मला कंटिन्यूसली मला जाता है, यहाँ पीसेस बनाए जाते हैं। ये देखिए, यहाँ गुड़ भी तैयार है, तो सब तरफ ये सब तैयारी चल रही होती है। तो कुछ लोग यहाँ प्रसाद बना रहे हैं और बाकी कुछ लोग यहाँ दूसरे कामों में लगे हुए हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियों में तटस्थ हैं और जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हैं। ये देखिए, दूसरी जगह यहाँ बाहर क्या हो रहा है, सूप को धुल के सुखाने के लिए रखा जा रहा है, सारे प्रसाद को धुला जा रहा है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है क्योंकि इस प्रसाद में अब ना कोई मक्खी बैठनी चाहिए और ना ही कोई मच्छर या फिर कोई और जीव जंतु। तो इसके लिए यहाँ पे धो के जब डाला जाता है तो निगरानी करने के लिए भी लोग बैठे रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है इस पूजा में। सब लोग खूब ज़ोर शोर से मिलकर काम कर रहे होते हैं और इसी तैयारी में लगे होते हैं कि फटाफट प्रसाद तैयार हो जाए और छठ की तैयारी अभी वाली पूरी हो जाए, ताकि शाम को बहुत मज़े से अर्घ्य में सारे लोग एंजॉय करेंगे। शाम के समय अर्घ्य में जो सूर्य जब ढलने लगता है शाम के समय, तब अर्घ्य चढ़ाते हैं। तो ये है आज डूबते हुए सूर्य की पूजा। तो डूबते हुए सूर्य की पूजा एक यही एक ऐसा व्रत है, एक ऐसा त्यौहार है मुझे लगता है, जहाँ पर डूबते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं। और उगते हुए सूर्य की तो हर जगह पूजा होती है, लेकिन डूबते हुए सूर्य की पूजा यही होती है इसी त्यौहार में। तो उसकी भी तैयारी चल रही है। ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको, फल भी लगभग धुल के सूख चुके हैं और इसे अंदर लाया जा चुका है, घर के अंदर लाया जा चुका है। पहले तो बाहरी धूप में रखा गया था ताकि अच्छे से सूख जाए, अब इसको घर पर ला के सेटल कर दिया गया है जब तक कि ये ठेकुआ बन के तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, सूप को भी अंदर लाया जा रहा है, ये देखिए सूप भी है। और अब क्या कर रहे हैं कि सूप की तैयारी करी, सूप में फल चढ़ाने की और सूप सजाने की तैयारी चल रही है। देखिए, पहले ऐसे 6 जगह इस तरह से लगा देते हैं। इसको मैंने बनाया है, ये बना हुआ है, पिसा हुआ है और इसका 6 जगह ऐसे डालते हैं। मेरी राष्ट्र के वीडियो में सूप सजाने की पूरी विधि विस्तार पूर्वक दी हुई है, अगर आप उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं या जान सकते हैं कि किस तरह से और किन चीज़ों की उपयोगिता होती है, किन चीज़ों का यूज़ होता है सूप सजाने के लिए। तो आप सारी पूरी डिटेल में आप देख सकते हैं वीडियो को, मेरे उसका लिंक मैं इधर दे दूँगी तो आप उसे देख सकते हैं। तो जब तक कि प्रसाद ऑलमोस्ट बन चुका है, फल वल धुल चुके हैं, तो सूप सजाने की भी तैयारी चल रही है। तो मैं इसे ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको फटाफट दिखा देती हूँ।
मैं आपको बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में इसको करके दिखा दे रही हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बन जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसका वीडियो मैंने लास्ट ईयर पूरा डिटेल में बनाया है और आपको इसका लिंक भी दे दे रही हूँ, तो अगर आपको इसको देखना हो तो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इसको लगा दिया जाता है आईपन को सारे फलों में, और फिर सिंदूर लगा दिया जाता है, और इसके बाद इसे सूप में सजा दिया जाता है। अब सूप बिल्कुल तैयार है, तो इसे ढक करके हम रख देंगे और शाम की तैयारी के लिए लग जाएंगे। वापस जाके हम थोड़ी देर के लिए आराम कर लेंगे, और ये करते करते बज गए हैं 2, और शाम के 4 बजे फिर से वापस आना। तो नीचे जाके ज़रा तैयार हो जाती हूँ मैं शाम के अरगे के लिए। तो ये देखिए, तैयार हो गए हैं शाम के अरगे के लिए, सारे लोग अपनी अपनी तैयारी कर चुके हैं। और ये देखिए, एज़ यूजुअल सिंदूर लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से सिंदूर लगाया जा रहा है व्रती को, और सारी लेडीज़ भी घर की सिंदूर लगा रही हैं, और व्रती को भी सिंदूर लगाया जाता है, और तैयारी होती है पूजा की। अब जो व्रती जो है वो जल में खड़ी हो चुकी हैं, और सारे लोग भी घाट पे आ चुके हैं। और देखिए, इधर सूप ला दिया गया है, एक एक करके सर पे रख के सारे लोग सूप ले आते हैं और यहाँ रख देते हैं। और घाट पे यूजुअली तो हम लोग बड़े बड़े तालाब में या लेक में, जहाँ भी कॉमन एक होता है, वहाँ जाके सारे लोग तैयारी करते हैं छठ की, और वहीं पे छठ किया जाता है। लेकिन आजकल शहरीकरण के कारण क्या हो गया कि हम लोग अपने छतों में ही कर लेते हैं, और यहीं पर एक पूल की व्यवस्था करते हैं, या एक पानी की व्यवस्था करते हैं, एक पानी रखने की, और उसी में अर्घ्य देते हैं। ये देखिए, हम लोग डूबते हुए सूर्य की तरफ फेस करके खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं सूर्य के डूबने का, और लगभग जब सूर्य जी डूबने लगेंगे तब हम लोग अर्घ्य चढ़ाएंगे। ये देखिए, जो व्रती है उनके हाथ में पान, सुपारी और अक्षत और केराव, जो भिंगाया हुआ था केराव, वो रखा गया है। और ये देखिए, सूप कितना सुंदर लग रहा है, बगल में जल भी भर कर है, दूध भी है जिससे हमें अर्घ्य डालना है। ये देखिए, शुरू हो गया, ऑलमोस्ट सूर्य ढलने को है, तो ये व्रती को सूप पकड़ाया जाता है, सारे लोग उसमें जल डालते हैं और या दूध डालते हैं, और उसके बाद व्रती एक राउंड लेती है, उसके बाद व्रती ऐसे घूमती है, और सूर्य भगवान की फिर से आराधना की जाती है डूबते हुए सूर्य की, और इस तरह से किया जाता है शाम का अर्घ्य। बहुत ही उत्साहित लोग, और बहुत ही मज़ा आता है, बहुत सारे लोग बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग, बहुत ही फन फिल्ड फेस्टिवल है ये बिहार का। ऐसे तो इसे बिहार नेपाल के तराई जगहों पे यूपी में भी मनाया जाता है, लेकिन बेसिकली ये बहुत फेमस बिहार का ही फेस्टिवल है। इस तरह से देखिए, हाथों में पहले अर्पण लगा दिया जाता है, आईपन लगा दिया जाता है, उसके बाद सूप रखा जाता है, सारे लोग जल डालते हैं, व्रती एक राउंड लगाती हैं, और उसके बाद फिर से हाथ को धो, और फिर सिंदूर भी लगाया जाता है उसके पहले, उस सूप रखने के पहले, उसके बाद व्रती फिर से घूमती हैं, और उसके बाद हाथ से उनका लेकर के सूप वापस रख दिया जाता है वहाँ, और फिर से व्रती अपना हाथ जल में धुलती हैं, और फिर से आईपन लगाया जाता है, और इस तरह से सभी सूप के साथ अर्घ्य किया जाता है। ये देखिए, अब जब पूजा हो जाती है, ये शाम का अर्घ्य संपन्न हो जाता है, तो उसके बाद सारे लोग जल डालते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, सारे लोग ही यहाँ पे बहुत ही हंसी खुशी से अपना भगवान को जल डालते हैं। और यहाँ देखिए, लास्ट में हवन भी किया जाता है, हवन में ऐसे डालते हैं, हवन हवन की जाती है, पहले व्रती कर लेती हैं, उसके बाद जितने सारे लोग हवन में डालते हैं, हवन देते हैं। ये देखिए, अब उसके बाद क्या किया जाएगा कि देखिए, छत भी बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है, घाट भी एक्चुअली, अगर आप
नदी के किनारे जाएंगे ना इस समय बिहार में या झारखंड में, तो देखेंगे बहुत ही सुंदर से सजा रहता है और बहुत भीड़ होती। कितने सारे लोग तो उसी रात को वहीं सो जाते हैं, क्योंकि वापस फिर से सारा सामान लेके घर जाना और दूसरी सुबह फिर वापस लेकर के आना सुबह के अर्घ के लिए असंभव ही होता है। इसलिए लोग वहीं पे रख देते हैं सारा सारी सामग्री, और कुछ लोग वहीं पे सो भी जाते हैं, वहीं पे रह जाते हैं ताकि उनके सामग्री की या इसकी रक्षा भी हो सके, और घाट में वो लोग वहीं व्यतीत करते हैं अपना अपनी रात। और जबकि वहाँ बहुत ठंड भी होती है उस वक्त, लेकिन फिर भी बहुत ही हंसी खुशी वाला और बहुत ही उमंगों से भरा ये त्यौहार है, इसलिए सभी लोग इसे बहुत मज़े से और एंजॉय करते हुए करते हैं। देखिए जब हवन हो जाती है इस तरह से, तो उसके बाद क्या होता है कि लोग पटाखे भी फोड़ते हैं, तो हम लोगों ने भी ऐसा ही किया, बहुत सारे पटाखे फोड़े गए और यहाँ पर बैठकर लेडीज़ गीत संगीत का कार्यक्रम हुआ। गीत संगीत का कार्यक्रम यानी कि ऐसा नहीं कि कोई फिल्मी गाने गाए गए हों, लेकिन हाँ जो लोकगीत है छठ के जो लोकगीत होते हैं उसको गाया गया और सभी लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया। तो इस तरह से ख़त्म हुआ हमारे यहाँ ये छठ का तीसरा दिन, जिसको कहते हैं शाम का अर्घ्य। और गीत संगीत के कार्यक्रम के बाद सभी वापस चले जाते हैं घर के अंदर, सारी सामग्री सारा ये सूप रख दिया जाता है और इंतज़ार होता है कल के सुबह का। कल सुबह दूसरे दिन हमें तैयार होना पड़ता है, करीब 4 बजे ही हम घाट पे आ जाएंगे और सुबह की तैयारी दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये देखिए संपन्न होता है आज का Day 3। तो ये तो छठ था 2023 के, और मैंने लास्ट ईयर के जो वीडियोस डाले हैं उसमें सब कुछ डिटेल में डाला है, सब कुछ डिटेल में है, पूरा लाइव ही किया है मैंने इसके लिए अर्घ्य देते वक्त और इसके बाद। तो अगर आपको डिटेल में देखना हो कोई भी चीज़, तो आप मेरे लास्ट ईयर के वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें आपको सभी कुछ मिल जाएगा। इस बार मैंने बहुत सारी चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड करके दिया है, वरना बहुत ही लंबा हो जाता है वीडियो। अब हो रहा है बेटा मनु, बात नहीं लगना चाहिए। बेचारा चैन कितना झेल रहा है मनु भैया, दूर मतो संपन्न हो जा रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगी कल नेक्स्ट टाइम दूसरे Day 4 लास्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ कल।